चलें। गुरु लेकर आया है सीएनजी गाड़ी, तो इसकी अभी टेस्ट ड्राइव करते हैं। स्विफ्ट डिजायर है ये, आप देख सकते हैं, पुरानी वाली फर्स्ट जनरेशन है। तो इसकी सवारी करते हैं। तो ये रही सीएनजी कार अपनी, 161,464 किलोमीटर चली हुई है अभी। ये अभी ये पेट्रोल में स्टार्ट हुई है, जब तक ये लाइट ब्लिंक करेगी यहाँ पर। हाँ, जब तक ये लाइट ब्लिंक करेगी तब तक ये पेट्रोल में। एक्सीलरेटर देना और तेज, पुरानी वाली में थोड़ा तेज देना पड़ता है, ये साउंड आए टक का, फिर ये लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाए। और इस ये ग्रीन जो लाइट है यहाँ पे चार, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब अभी सीएनजी हमारी कार में फुल है। अच्छा, थोड़ी सी ड्रॉप कम हो जाएगी तो ये वाली लाइट बंद हो जाएगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। जब यहाँ पे एक रेड लाइट जलने लग जाएगी इसका मतलब हमें बिल्कुल भरवाना है, हमारी कार में रिजर्व लग चुका समझ लो। ओके, वैसे गुरु काफी टाइम से सीएनजी कार यूज कर रहा है, उसको अच्छी खासी नॉलेज है। उसने लगभग कितने साल चलाई है सीएनजी वाली कार? 7 से 8 साल। 7 से 8 साल चलाई है सीएनजी वाली कार। अगर हमें कार में सीएनजी को लगवाना हो तो कब लगवाएं, कैसे लगवाएं, कहां से लगवाएं, और क्या इससे हमारी कार की वारंटी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, क्या इससे नुकसान होता कार में, क्या इसका एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, क्या हमें कंपनी फिटेड सीएनजी कार को लेना चाहिए, जितने भी सारे आपके डाउट्स हैं दोस्तों वो आपके इस वीडियो में आज क्लियर होंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरु और आप देख रहे हैं इसी ड्राइविंग स्कूल। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सीएनजी क्यों लगवाएं हम अपनी कार में। देखिए दोस्तों, क्यों ना लगवाएं, अगर आपकी सिटी में, आप जिस सिटी में रहते हैं, अगर वहाँ पे सीएनजी स्टेशन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं दोस्तों, तो जी हाँ बिल्कुल आप अपनी कार में सीएनजी लगवा सकते हैं, और क्यों ना लगवाएं। सबसे पहले तो ये पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी सस्ता ही आता है। दूसरी बात दोस्तों, हमें इससे अच्छी एवरेज मिलती है। अगर हमारी पेट्रोल कार अगर 12 की एवरेज देती है हमें 1 लीटर में, तो यहाँ पे दोस्तों 2 गुना हो जाएगा, कम से कम 2 गुना के बराबर हो, कम से कम 20-22 की एवरेज हमें यहाँ पर सीएनजी निकाल के देती है। तो यार जब इतना ज़्यादा फायदा होता है तो क्यों नहीं हम चाहेंगे कि हमारी कार में सीएनजी हो। दूसरी बात यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पोल्यूशन बहुत कम करता है सीएनजी, और सस्ते दामों पे भी आता है, पोल्यूशन भी बहुत कम करता है, और हमें एवरेज भी अच्छी मिलती है। तो यही एक रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें कार में सीएनजी लगवानी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नुकसान की, क्या सीएनजी से कोई नुकसान है? तो भाई आपको सच बताऊं तो कोई भी नुकसान नहीं है सीएनजी अपनी कार में लगवाने के बाद। किसी भी चीज़ में कोई भी नुकसान नहीं होता, वो बात अलग है। कुछ लोग घुमा फिरा के इसको बताते हैं और कुछ लोग डरा के बताते हैं कि ऐसा नहीं। देखिए कुछ थोड़े बहुत ऐसे हैं जो हमें समझौते या कॉम्प्रोमाइज आप कह सकते हैं कि हमें अपने साथ या अपने कार के साथ हमें करना पड़ता है। क्या है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे बूट स्पेस की। अगर आपके पास हैचबैक है तो बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, बिल्कुल बहुत ही कम रहेगा, बिल्कुल मान के चलो आपके कार में बूट है ही नहीं उसके बाद, अगर आप सीएनजी अपने कार में फिट कराते हैं तो ही। अगर बात है सेडान कार की तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस फिर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर हम अपनी कार में सीएनजी किट को फिट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों, जब हमें अपनी कार में सीएनजी को भरवाना होता है तो अगर हम हमारे नज़दीकी कहीं पे स्टेशन है तो ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हमें टाइम लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सीएनजी भरवाने के लिए होता है, क्योंकि बहुत वहां पर हमें लाइन वगैरह मिलती है, क्योंकि बिल्कुल खाली तो हमें मिलता नहीं, या रात के टाइम खाली मिल सकता है, छुट्टी वाले दिन हमें खाली मिल सकता है, लेकिन वैसे तो खाली मिलता नहीं। 2, 4, 5, 10 कार हमारे आगे खड़ी रहती भरवाने के लिए, तो हमें कम से कम वहां पे 15 से 20 मिनट हमें या आधा घंटा हमें लेके चलना पड़ता है, डिपेंड करता है हम किस टाइम पे जा रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तीसरी बात है दोस्तों, यहाँ पर हमें पिकअप, अगर हम कार में एक बूस्ट कहें कि जो हमें बूस्ट चाहिए, जब हम पहले गियर में कार को चलाते हैं तो वो हमें बूस्ट नहीं मिल पाता जो हमें पेट्रोल कार में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल से और सीएनजी का, तो 30% यहाँ पे सीएनजी में गिरावट आती है परफॉर्मेंस में। तो ये ज़्यादा फर्क तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर हम नॉन एसी अगर कार को चलाते हैं तो हमें शायद पता भी नहीं चलता है, लेकिन हाँ अगर हम एसी में कार को चलाते हैं तो थोड़ा बहुत हमें वहाँ पर दिक्कत होती है। थोड़ा सा अगर हम 40 की स्पीड में चल रहे थर्ड गियर है, तो फिर हम अगर ब्रेक लेते हैं, सेकेंड गियर को शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर होगा क्या दोस्तों, थोड़ा सा पिकअप ना थोड़ा सा लेट पकड़ती है। तो बस थोड़ा बहुत यही दिक्कत है, बाकी यार हमें कोई उड़ना तो है नहीं, तो इतना थोड़ा बहुत तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। अगर इतना सस्ता हमें सीएनजी पड़ता है, इतनी अच्छी माइलेज हमें मिलती है, इतना बेनिफिट अगर हमें होता, तो ये सब चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, और इन्हें हम नुकसान नहीं कह सकते हैं, ये नुकसान नहीं है।
अब बात आती है यहाँ पर कि सीएनजी लगवाने से पहले हमें कार में क्या क्या ध्यान देना है और हमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती है जब भी हम कार में सीएनजी लगवाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने नई कार किसी कार को खरीदा है, अगर आप बाहर किसी डीलर से सीएनजी लगवाते हैं कार में, तो आप ये बात ध्यान रखें कि आपके कार की वारंटी चली जाएगी। कंपनी को आप क्लेम नहीं कर सकते हो बाद में कि इसमें ये प्रॉब्लम होगी, ये कुछ हो गया, तो वो आपकी वारंटी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको उसका क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा दोस्तों, हो सके तो आप कंपनी फिटेड सीएनजी कार ही लें। अगर हाँ ठीक है, नहीं मिलती आपको, जैसे कि मारुति डिज़ायर आपको सीएनजी फिटेड नहीं मिलती है, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो उसको लेने के बाद दोस्तों आपने करना है कि जब तक उसकी वारंटी उस कार की है, एक साल, दो साल, तीन साल, जब तक आप उसको पेट्रोल में चलाएं और उसके बाद जब उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप उसमें सीएनजी किट लगवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उससे आपकी वारंटी भी बनी रहेगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी कभी। तो अब बात आती है यहाँ पर कि कौन सी किट हम लगवाएं। देखिए दोस्तों, अगर हमें सीएनजी किट लगवानी होती तो आजकल दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सीक्वेंशियल किट। ओवाटो कंपनी की सीक्वेंशियल किट आप अपनी कार में लगा सकती है, इटालियन किट है दोस्तों और काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। काफ़ी अच्छा आपको इसमें पिकअप मिलता है, काफ़ी अच्छा इसमें आपको बेटर माइलेज मिलती है जो पुरानी वाली, जो अब जैसे टोमेस्टो वगैरह किट आती दोस्तों पहले जो नॉन सीक्वेंशियल है, तो उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी है। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से वो भी ठीक, ख़राब नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन आजकल यही चल रहा है, यही आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो आजकल आप भी यही लगाएं दोस्तों। इसका कॉस्ट आएगा कम से कम आपको 32,000 से 35,000 रुपये विद आपको आरसी में ये चढ़वा के देगा जिस भी डीलर से आप लगाते हैं। लगाने के बाद दोस्तों आपने ध्यान देना है कि जिस भी डीलर से आप सीएनजी को लगाते हैं अपनी कार में, तो उसको आप बोले कि इसको आरसी में चढ़वा के आपने ही देना है। फिर उसका प्राइस 30,000 से 35,000 रुपये आपसे लेगा वो और चढ़वा के सारा दे देगा। उसके बाद दोस्तों आपने करना है कि जिस कंपनी से आपके कार का इंश्योरेंस है वहाँ पे भी आपको सीएनजी किट को इंश्योरेंस में चढ़वाना है। कल को अगर कुछ भी हो जाता दोस्तों, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम करेगी कि नहीं आपने कार में सीएनजी लगवाई, इस वजह से ये हादसे हुए, जो भी हुए दोस्तों। आप समझ सकते हैं किस तरीके से तो छोटी से छोटी चीज़ों को वो करते हैं, नोटिस करते हैं कि नहीं बस आपकी कमी निकलनी चाहिए कहीं पर भी। तो ऐसा ना करें, जब भी सीएनजी लगवाएं तो आरसी वगैरह इंश्योरेंस वगैरह में सारे आप अपने चढ़वा दें उसको। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सीएनजी कार का मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस की बात करो तो यार कुछ भी नहीं, उतना ही मेंटेनेंस है जो हमारी पेट्रोल कार का आता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मेंटेनेंस नहीं है सीएनजी कार का। बट हाँ, थोड़ा सा हमें ना केयरिंग होना पड़ता अपनी कार के लिए। अब हम सोचते हैं कि यार ठीक है, सर्विस नहीं कराते हैं, अगले महीने कराएंगे या 5,000 किलोमीटर बाद करा लेंगे, तो ऐसा सीएनजी के साथ नहीं चलेगा। अगर सीएनजी के मैं आपको बता दूं, प्लग वगैरह आपके हल्की से भी कहीं से प्लग वगैरह की क्रैक है या प्लग में आपके कुछ कार्बन जम गया, तो इस कारण क्या होगा दोस्तों, सीएनजी कार आपने देखा काफ़ी सारे पटाखे मारती है, फिर मिस फायर करती है। तो यही एक कारण है कि अगर हम टाइम टू टाइम उसकी सर्विस नहीं कराते हैं, हम कार के थ्रोटल बॉडी को क्लीन नहीं करवाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, परफॉर्मेंस काफ़ी लो हो जाती है और यहाँ पर एवरेज भी काफ़ी डाउन हो जाती है और कार इस तरीके से मिस फायर करती है। तो जब भी हम कार की सर्विस कराने जाएंगे तो कम से कम हमें अपने प्लगों को क्लीन करवाना है और प्लग वायर को चेक करवाना है, क्या इसको रिप्लेस करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि इतना महसूस सिर्फ पेट्रोल कार में नहीं होता, अगर हम अपनी कार को पेट्रोल में चलाते हैं अगर तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन सीएनजी कार में अगर छोटी सी गलती भी तो वहाँ पे थोड़ा मिसफायर करने लग जाती कार। तो ये थोड़ा बस हमें ध्यान देना है, बाकी एक्स्ट्रा कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है इसका, बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या सीएनजी से हमारे कार के इंजन की लाइफ क्या कम हो जाती है, क्या घट जाती है, क्या इससे जल्दी वीक हो जाता है? जी नहीं दोस्तों, ये गलत है। अगर जो लोग ये फैलाते भी हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस हमें थोड़ा केयरिंग होना पड़ता अपनी कार के लिए, और केयरिंग तो चाहे हमारी कार पेट्रोल में हो, चाहे सीएनजी में हो, चाहे डीजल में हो, हमें केयरिंग अपनी कार के लिए होना ही पड़ता है। टाइम टू टाइम हमें सर्विस करवानी दोस्तों अपनी कार की और मेंटेन करना अपनी कार को, तो इंजन की लाइफ कोई भी कम नहीं होती। परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रहती है पेट्रोल के मुकाबले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमारा इंजन बिल्कुल उससे कम वीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों भ्रम की। क्या भ्रम है लोगों के मन में सीएनजी को लेकर? सीएनजी को लेकर भ्रम है दोस्तों कि सीएनजी से कार में आग लग जाती है और बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं हमारी कार, क्योंकि हमारी कार में सीएनजी है। लेकिन दोस्तों ये गलत एक भ्रम है लोगों के मन में कि सीएनजी की वजह से आग लगती है। जी नहीं दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल से, तो यार पेट्रोल से तो बहुत जल्दी आग लगता है, तो ऐसा कुछ सीएनजी में नहीं है, सीएनजी बहुत कम आग पकड़ती है। तो बिल्कुल ना, ये भ्रम बिल्कुल गलत है आप लोगों के मन में कि सीएनजी से आग लगती है बहुत जल्दी, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रीसेल वैल्यू की। क्या सीएनजी वाली कार की रीसेल वैल्यू है या नहीं है? दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल जी हाँ, रीसेल वैल्यू है। अगर कोई ऐसा इंसान आपसे कार खरीदना चाहता है कि जिसको सीएनजी वाली ही कार चाहिए, तो बिल्कुल आपको उसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी। और उस इंसान को, जो इंसान आपसे कार ले रहा है, उसको भी सीएनजी लगी हुई कार मिल रही है, आरसी में चढ़ी हुई कार मिल रही है।
आरसी में चढ़ी हुई सीएनजी कार मिल रही है तो उसके लिए फ़ायदा, आपके लिए फ़ायदा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को सेल कर रहे हो कार जिसको कि सीएनजी का कोई लेना देना ही नहीं, जिसकी सिटी में कोई सीएनजी नहीं है, तो उस वो क्या करेगा उस चीज़ का, तो वो थोड़ा वैल्यू आपके कार के कम लगाएगा। तो आप ऐसे इंसान को कार बेचें जिसको कि सीएनजी कार ही चाहिए, तो वहाँ पे आपको वैल्यू उसकी अच्छी मिलेगी। तो रीसेल वैल्यू तो ठीक ठाक है सीएनजी कार की। तो कुछ एक्स्ट्रा टिप मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि एक लापरवाही सीएनजी ओनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, सीएनजी कार में पेट्रोल बहुत कम रखते हैं। उससे होता क्या है, कभी उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर होता क्या है, कार तो सीएनजी में स्टार्ट कर लेते हैं तो ये आदत हो जाती है उनकी ख़राब कि सीएनजी तो आराम से कार को स्टार्ट कर देती है तो पेट्रोल भरवाने की क्यों ज़रूरत है। तो वो रखते हैं अपनी कार को सीएनजी पर ही और पेट्रोल डलवाना भूल जाते हैं। उससे होता क्या है, पेट्रोल लाइन में दिक्कत आ जाती है, इंजेक्टर ब्लॉक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फ्यूल पम्प ख़राब होने के चांसेस रहते हैं उसमें। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो जाता है और आपको ज़रूरत होती है पेट्रोल में चलाने की, तब आपकी गाड़ी पेट्रोल में नहीं चलती, वो स्टार्ट ही नहीं होती है क्योंकि आपने पेट्रोल में काफी दिनों से गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है। तो इसलिए सीएनजी कार्स को पेट्रोल में चलाना भी काफी जरूरी है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, गाड़ी में पेट्रोल भरवा के रखिए और साथ ही साथ उसको यूज भी करना है। अगर आप पेट्रोल को 3-4-5 महीने तक अगर उसी पेट्रोल को आप गाड़ी में रखे रहेंगे उसके टैंक में, तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है और 6-7 महीने के बाद तो इतनी डिग्रेड हो जाती है कि आपकी गाड़ी व्हाइट कलर का स्मोक जनरेट करती है। तो पेट्रोल में रखना है, पेट्रोल में भी चलानी है ताकि गाड़ी का जो पेट्रोल वाला सिस्टम है, फ्यूल लाइन है, वो ठीक ठाक हालत में रहे, आपको इमरजेंसी के टाइम पर पेट्रोल में गाड़ी आपकी चल जाए। इमरजेंसी क्या, कभी भी आप स्विच करना चाहें तो आप उसे कर सके, ऐसा ना हो कि सीएनजी में ही चलाते रहे और जब पेट्रोल की बारी आई तो आपको पता चला यार ये तो चल ही नहीं रही है। और जो पेट्रोल आपने भराया है गाड़ी में उसको 2-3 महीने के अंदर खत्म करने की कोशिश करें। तो चलते हैं गुरु के पास। तो ये तो हुई दोस्तों बात सीएनजी के ऊपर, आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे दोस्तों सारे मुझे उम्मीद है कि आपके आज क्लियर हो गए होंगे और आपके मन में जितने भी सवाल रहे होंगे, क्या इससे आग लगती है, क्या इससे एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्या कुछ है, जो भी रहा होगा दोस्तों सारे आज आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई दोस्तों आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं दोस्तों, मेरा चैनल है ऑटो एक्सपर्ट गुरु, मैं भी कुछ इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए वहाँ पे लेके आता रहता हूँ रवि सर की तरह। तो आप जाके देखें वीडियो, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें देसी ड्राइविंग स्कूल और साथ साथ गुरु के चैनल जो कि ऑटो एक्सपर्ट गुरु है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और ख्याल रखिए अपना।